नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल के कुमार एंड ट्रेंड एनएलपी मास्टर लाइफ कोच आज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आपके पास भी सवाल आता है कि सक्सेसफुल लोगों की आदत क्या है, सक्सेसफुल लोग कैसे इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं, और लोग कहते हैं कि जैसी संगत में आप रहोगे वैसे ही आप बनोगे, तो कैसे सक्सेसफुल लोगों के साथ संगत लें, क्योंकि उनके पास तो समय नहीं होता, तो उनके साथ कैसे आप अपना समय बिताएं। यदि आप ये जानने के इच्छुक हैं तो ये वीडियो आपके लिए, अंत तक देखिए। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आप नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और पुराने हैं तो थैंक यू कहना चाहूंगा आपको कि आपके प्यार की वजह से ही आज हमारा ये परिवार बढ़ रहा है। दोस्तों, कल मैं एक मूवी देख रहा था, मूवी का नाम है इनसाइड द बिल्स ब्रेन। जब मैं इस मूवी को देख रहा था, इस मूवी में करीब 10 से 15 शॉट ऐसे होंगे जब बिल गेट्स अपने ऑफिस से घर या घर से ऑफिस जा रहे थे या अपने किसी टूर पे जा रहे थे। हर बार बिल गेट्स के हाथ में एक बैग था भारी सा, और उस बैग में सिर्फ किताबें थी। दोस्तों, उस मूवी में शॉट देखने के बाद में मुझे फील आया किस तरह से आज एक सक्सेसफुल होने के बावजूद भी बिल गेट्स हर वक्त किताबों के साथ जुड़ा रह रहा है। फिर मैंने एक किताब और पढ़ी इलोन मस्क की, आप जानते होंगे उनको भी। इलोन मस्क की बायोग्राफी मैं पढ़ रहा था, उसकी जल्दी ही ऑडियो समरी भी आपके पास आ जाएगी इसी चैनल पे, आप अगर देखोगे तो शायद इसमें होगी, आप मेरे प्लेलिस्ट में देखोगे। की बायोग्राफी में भी ये डिस्क्राइब किया गया था कि उसने जो आज स्पेस सेंटर बनाया हुआ है उसके रॉकेट साइंस को उसने खुद स्टडी किया, वही जो सोलर एनर्जी पे जिसने काम किया वो भी उसने खुद किताबों से स्टडी किया। तीसरा, जो टेस्ला कंपनी जिसपे इलेक्ट्रिक कार बनाने का उसका कॉन्सेप्ट है उसको भी उसने खुद किताबों से पढ़ा और उसको डेवलप किया। तो दोस्तों, एक सवाल दिमाग में आया कि हर सक्सेसफुल व्यक्ति इन किताबों को पढ़ने लग रहा है, उनको कोई एग्जाम तो नहीं देना, उनको किसी ने बाउंड भी नहीं किया है तुम पढ़ो, फिर भी वो क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। फिर मैंने अपने आप से पूछा कि मैं ये किताबें क्यों पढ़ रहा हूं। तो एक सवाल दिमाग में आया कि मुझे क्या मिला इन किताबों को पढ़ने से। फिर मैंने जो अपनी जर्नी 2005 में मैंने पहली किताब एक पढ़ी थी डेल कार्नेगी की हाउ टू इन्फ्लुएंस द पीपल, उससे मैंने पूछा अपने आप से उस किताब को पढ़ के तुझे क्या मिला। फिर मैंने इंडोमिटेबल स्पिरिट पढ़ी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, उसको मैंने याद किया और मैंने देखा कि उसको पढ़ के आपको क्या मिला, उसके पढ़ने के बाद मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आए। उसके बाद मुझे मंजर ऐसा चलता रहा कि मैं हर वक्त किसी न किसी किताब किसी न किसी को स्टडी करता रहा। और दोस्तों, जब मैंने अपने पीछे मुड़ के देखा तो मैंने देखा डिफेंस पर्सनल से एक एजुकेटर, एजुकेटर से एक लाइफ कोच, लाइफ कोच से एक बेस्ट सेलिंग ऑथर और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर मुझे किताबों ने बनाया। फिर मैं इस वीडियो के बारे में सोचने लगा, क्यों ना मैं ये एस्पेक्ट आपके साथ भी शेयर करूं, क्यों ना आप भी अपने जीवन में सक्सेसफुल हो, क्यों ना आप भी आगे बढ़े। दोस्तों, आज मेरी सक्सेस के पीछे जो चीजें हैं उनमें सबसे बड़ा रोल अदा किया इन किताबों ने। दोस्तों, जो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन इन बुक्स का मेरी लाइफ में रहा है, तो एक वीडियो बनाने पर मेरा फोकस आया, और मैं इसी को लेकर आपके पास आया हूं कि किताबें पढ़ने से क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा फायदा जो मुझे महसूस हुआ वो ये कि मुझे उन लोगों की संगत मिली। जब मैं किताब पढ़ रहा था तो मैं अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा था कि जब मैं डॉक्टर कलाम की किताब पढ़ रहा हूं तो मुझे लग रहा था कि मानो मैं डॉक्टर कलाम से मिल रहा हूं, डॉक्टर कलाम का इंटरव्यू ले रहा हूं, डॉक्टर कलाम के थॉट्स समझ रहा हूं और डॉक्टर कलाम के थॉट्स के साथ मैं अपने आप को एसोसिएट कर रहा हूं। दोस्तों, जब ये चीजें मैंने उसके साथ एसोसिएट करके अपने आप में सीखी तो मेरे अंदर एक एनर्जी आई। इसी तरह जब मैंने रॉबर्ट कियोसाकी को पढ़ा रिच डैड पुअर डैड में, तो मुझे ये फीलिंग आई कि मैं रॉबर्ट कियोसाकी के साथ बैठा हूं और रॉबर्ट कियोसाकी से डिस्कस कर रहा हूं कि आपने अपनी लाइफ को कैसे ग्रो किया, आपने कैसे सीखा अपनी लाइफ में, और वो मुझे मानो बता रहे हैं। उसके बाद तो सिलसिला चलता रहा, और जब मैं कल वाली जो वीडियो देखने के बाद फिर वही फीलिंग मेरे अंदर आई कि मानो मैं बिल गेट्स के साथ बैठा हुआ हूं,
उसको एक्सेस कर रहा हूँ, उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, उसकी जीवनी कैसी है, किस तरह से वो सोचता है। फिर मैंने इलोन मस्क को जो पढ़ा, तो इलोन मस्क को पढ़ते हुए, बायोग्राफी को पढ़ते हुए मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मानो मैं उससे रूबरू हो रहा हूं, उनके विचारों से, उनके आइडिया से, उनकी एंथुसियाज्म से। जब मैंने चीजें फील की तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए कि आप किसी भी व्यक्ति का इंटरव्यू ले सकते हैं, किसी भी व्यक्ति से मिल सकते हैं, जब आपके अंदर ये इंस्टिंक्ट हो कि मुझे उस जैसा बनना है। आप आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से मिल सकते हैं यदि आप उसकी किताबें पढ़ रहे हो। उठाइए कोई भी किताब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की लिखी हुई है, दोस्तों आप पाओगे मानो आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से मिल रहे हैं। सोचिएगा जब आप उस किताब को पढ़ के खड़े होंगे तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू कितना बड़ा होगा, आपका सोचने का तरीका कितना गजब का होगा, आपका एक ड्रीम लेने का तरीका कितना गजब का होगा। आज अवसर है आपको कि आप जिस तरह का बनना चाहते हो, जिस तरह के लोगों से अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना चाहते हो, उस तरह के लोगों को पढ़ना शुरू कर दो। हर सक्सेसफुल लोग अपने आप में अपने फुटप्रिंट छोड़ के जाते हैं पीछे। उनकी किताबों को पढ़ो जिनमें उन्होंने अपने थॉट्स, अपना प्रोसेस और अपने आगे बढ़ने के बारे में लिखा हुआ है। जब आप उनको पढ़ोगे तो आप उन व्यक्तियों को जान पाओगे, उनकी संगत ले पाओगे। दोस्तों किताबें ही, उनकी वो जीवनी ही आपको मोटिवेट करेगी, उनकी वो जीवनी ही आपको सिखाएगी कि किस तरह आप आगे बढ़े। हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामर हैं, हम माइंड साइंस पे काम कर रहे हैं, तो हमारे मेंटर हमेशा ये कहा करते हैं कि अनिल जब आप जिस भी व्यक्ति जैसा बनना चाहते हो, उस व्यक्ति की यदि सक्सेस रेसिपी आप निकाल लेते हैं, सक्सेस होने वाली स्ट्रेटजी आप निकाल लेते हैं, तो सेम स्ट्रेटजी पर अगर आप चलते हैं तो आप वही रिजल्ट निकाल सकते हैं। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। आपके घर में आपकी मदर भी दाल बनाती है, आपकी सिस्टर भी, या तीसरा आपकी भाभी भी, क्या उन तीनों के द्वारा बनाई गई दाल का टेस्ट एक जैसा होता है? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि तीनों की जो रेसिपी है वो अलग अलग है। क्या हो अगर तीनों एक साथ खाना बनाएं और एक रेसिपी से उतना ही मसाला डालें, उतना ही भुने, उतनी ही पकाई करें हर मसाले की, और एक साथ उसी तरह से उस पूरी एक रेसिपी से तीनों दाल बनाएं, तो कितने परसेंट संभावना है कि एक जैसा टेस्ट आ सकता है उन दालों में? संभावना है ना? जी हाँ, यदि आप एक रेसिपी से 50 बार भी दाल बनाएंगे तो उसमें सेम टेस्ट आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी रेसिपी सेम है। इसी तरह हमारे मेंटर कहते हैं कि यदि आपको सक्सेस होना है तो सक्सेसफुल लोगों की रेसिपी ऑफ सक्सेस निकालिए, यानी कि उनकी स्ट्रेटजी ऑफ सक्सेस निकालिए। तो सक्सेसफुल लोगों से स्ट्रेटजी ऑफ सक्सेस निकालने का तरीका है उसका इंटरव्यू लेना, उनसे पूछना कि आप सक्सेस कैसे हुए थे। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो बिजनेसमैन है, वो अपने आप को इतना एंगेज किए हुए हैं कि उनके पास इतना समय नहीं कि आपसे बात कर पाए, या आपकी अपनी उतनी रीच नहीं होगी, तो कैसे उनका इंटरव्यू लें? दोस्तों उनकी लिखी हुई किताबों को यदि आप पढ़ते हैं तो, या उनकी बायोग्राफी पढ़ते हैं तो आपको उनकी सक्सेस स्ट्रेटजीज मिलेंगी, और उस रेसिपी को आप एक्सट्रैक्ट करके अगर सेम अप्लाई करोगे तो सेम रिजल्ट आने की भी संभावना है। तो दोस्तों जब आप किताब पढ़ रहे होते हो तो ना केवल उनका इंटरव्यू ले रहे होते, ना केवल उनकी संगत में होते हो, उस वक्त आप अपने प्रोग्राम, अपने माइंड को प्रोग्राम कर रहे होते हो उन्हीं की तरह सफल होने का, अपने सबकॉन्शियस को हिम्मत दे रहे होते हो कि मैं भी हो सकता हूं, अपने थॉट प्रोसेस को, अपनी इमेजिनेशन को इतना बड़ा कर रहे होते हो कि आप स्टेप उठाने के लिए आगे बढ़ सकते हो। दोस्तों ये किताबें आपको इतना मोटिवेट करती हैं, ये किताबें आपको इतना आगे बढ़ाती हैं, आपकी इमेजिनेशन और आपकी क्रिएटिविटी को इतना बड़ा करती हैं कि आप आज 2020 में बैठे हुए 2025 में आप क्या कर सकते हो, क्या आपके बेनिफिट होंगे, क्या आपकी लाइफस्टाइल होगी, किस तरह का जीवन आपका होगा, 2030 में आप क्या कर रहे होंगे अपने लिए, समाज के लिए, 2040 में आप क्या कर रहे होंगे, वहां तक आप सपना देख सकते हो। दोस्तों इतना गजब का असर पड़ता है किताबों को पढ़ के। दोस्तों किताबें पढ़ने से
यदि आप सामने वाले के साथ इंटरव्यू कर सकते हो तो आज आपके पास एक और अवसर है कि आप उन व्यक्तियों का भी इंटरव्यू कर सकते हो जो आज समाज में नहीं, इस दुनिया में नहीं है। आज विवेकानंद को आप पढ़ सकते हो, आज डॉक्टर कलाम को आप पढ़ सकते हो, आज आप महावीर को पढ़ सकते हो, आप हमारे वेद पुराण और गीता भगवत गीता से आप सीख सकते हो, आज आप हर किसी का इंटरव्यू लेना सीख सकते हो। कि आपको ये पता हो कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं और आपको किस जैसा बनना है, आपका रोल मॉडल कौन है जो आपको इसमें असिस्ट कर सकता है, आप उसकी किताब उठाओ और उसको पढ़ो, आप उसी जैसे विचारधारा, उसी जैसा आत्मसम्मान और उसी जैसा मनोबल आपको मिलेगा। दोस्तों आज मैं आपके साथ ये वीडियो नहीं शेयर कर रहा हूं, मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं जो मैं आज तक सीखा है। और यदि आज आप किसी भी एज में हैं, आज आप अपने ऊपर ये अप्लाई करते हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप एक साल के बाद में वहां नहीं होंगे जहां आज हैं, आप प्रोग्रेसिव होंगे, आप आगे बढ़ चुके होंगे। इन किताबों से आप उनको समझ पाओगे, उनके आइडियाज को समझ पाओगे, उनके एक्शन टेकन के तरीके को समझ पाओगे, उनके आइडियाज आपको मोटिवेट करेंगे, उनके आइडियाज आपको इंस्पायर करेंगे, उनके आइडियाज आपको एक्शन लेने के लिए बाध्य करेंगे, उनके आइडियाज आप पे कंसंट्रेशन की क्रिएटिविटी को बढ़ाएंगे, उनके आइडियाज आप में इमेजिनेशन और विजुलाइजेशन को बढ़ाएंगे, उनके आइडियाज आपको आज से 10 साल आगे तक का देखने के लिए प्रेरित करेंगे। किताब पढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी स्ट्रेस में नहीं आता, किताब पढ़ने वाले व्यक्ति को हमेशा निरंतर नए आइडियाज आते रहते हैं, किताब पढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा ओपन माइंडेड होता है, वो कभी भी किसी छोटी छोटी बातों पे एंजाइटी लेकर के नहीं बैठता। दोस्तों भगवत गीता को आप पढ़िएगा, जब भी आप किसी समस्या में होते हैं आप कोई भी पेज उसका उठा लीजिएगा, कोई भी कहीं से भी कोई पन्ना खोलिएगा, जो पन्ना सामने आता उसी को पढ़ लीजिएगा, आपको आपकी समस्या का समाधान उसमें मिल जाएगा। भगवत गीता अपने आप में एक मैनुअल है इस यूनिवर्स का। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं यदि आप अपने जीवन में किताबों को यदि जगह देते हैं तो आप अपने आप को और सक्षम, सफल और समृद्ध बना पाएंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप कौन सी बुक पढ़ने वाले हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाते हुए अपने घर में खुशहाली लेके आ पाए और अपने समाज के लिए एक बड़ा एसेट्स बन पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।